और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे भारतीय नौसेना की ताकत से घबराए पाकिस्तान की। भारत ने पिछले दिनों अपनी चौथी न्यूक्लियर सबमरीन को गुपचुप समंदर में उतारा, लेकिन खबर तो बाहर आनी थी और जब ये खबर पाकिस्तान पहुंची तो उसके पैर कपने लगे। पाकिस्तान के पुराने नेवल ऑफिसर अब सोशल मीडिया में ये मानने में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं कि भारत के आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं है और भारत की नेवी पाकिस्तानी नेवी से कई गुना ताकतवर है। समंदर में बढ़ी भारत की ताकत तो पाकिस्तान में हाय तौबा शुरू हो गई। इंडियंस को ज्यादा शौक है। जल थल नभ में भारतीय सेना के बढ़ते पराक्रम ने पाकिस्तान को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया और अब 8 सबमरीन बनाने के चक्कर में वो न्यूक्लियर। भारत की परमाणु पनडुब्बी INS चक्र, INS अरिहंत, INS अरिघात और अब INS अरिदमन। समंदर में भारतीय नौसेना की ये वो छोटी सी ताकत है जिसने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए। आज जो पाकिस्तान नेवी है इसका कंपैरिजन आप अगर भारतीय बहरिया के साथ करते हैं तो हमसे 5 गुना बड़ी नेवी है। हालात ये हैं कि अब भारतीय नौसेना की ताकत पर पाकिस्तान के पूर्व नौसैनिकों को सांप सूंघ गया है। वो क्या बताएं और क्या छिपाएं उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा। मुझे बताएं क्या हमारे पास न्यूक्लियर कैरिंग सबमरीन्स हैं? डू वी हैव दैट? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सोचने के पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि दो चीजें होती हैं। एक होती है न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन, यानी उसका इंजन जो ऑपरेटर और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। दूसरा क्या है, वो न्यूक्लियर वेपन फायर कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो ये दो चीज़ें हैं। इंडियंस को ज़्यादा शौक है। पहले उन्होंने रशिया से उधार ली थी एक सबमरीन, 2 साल तक चलाई, उन्होंने खुद उस पर प्रैक्टिस की, फिर उन्होंने एक अपनी खुद इंडिजिनियसली डेवलप की न्यूक्लियर सबमरीन और अब 8 सबमरीन बनाने के चक्कर में वो न्यूक्लियर। भारत ने पिछले सप्ताह चुपचाप अपनी चौथी परमाणु चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी समुद्र में लॉन्च की थी। इसे भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। 16 अक्टूबर को लॉन्च की गई परमाणु सबमरीन का कोड नाम S-4 है। S-4 क्लास की ये सबमरीन कई मायनों में खास है। इस पनडुब्बी के 75% सामान भारत में ही बने हैं। इसका कोड नेम S-4 रखा गया है। ये 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। K-4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है। भारतीय नौसेना की इस ताकत के सामने आने के बाद पाक नेवल ऑफिसर भी मान रहे हैं कि अगर तुलना करें तो इंडियन नेवी पाकिस्तान की नौसेना से 5 गुनी बड़ी है। साथ ही पाकिस्तानी नेवल ऑफिसर का ये भी कहना है कि इतनी बड़ी नौसेना रखने की भारत को जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत अपने आप को दुनिया में महाशक्ति साबित करना चाह रहा है, इसलिए सेना के आधुनिकीकरण पर अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहा है। वो लगातार अपनी नेवी को बढ़ा रहे हैं और इतनी ज्यादा बढ़ा ली है जिसकी जरूरत नहीं है। अभी प्रेजेंटली हमारी नेवल स्ट्रेंथ कितनी है एज कम्पेयर टू इंडियन नेवल स्ट्रेंथ? देखिए, पहले तो मैं आज की बात करता हूँ, फिर हम हिस्टोरिकली इसको लेकर चलते हैं पहले क्या होता रहा है। आज जो पाकिस्तान नेवी है इसका कंपैरिजन आप अगर भारतीय बहरिया के साथ करते हैं तो हमसे 5 गुना बड़ी नेवी है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारी को अभी यही गफलत है कि पाकिस्तान की नेवी भारत से ज्यादा मजबूत है और भारत उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन देशभक्ति के साथ साथ पाक ये भी मानने को मजबूर है कि डिफेंस के हर सेक्टर में भारत हिट है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कन्वेंशनल सबमरीन में और न्यूक्लियर सबमरीन में? न्यूक्लियर सबमरीन की एंड्योरेंस ज्यादा होती है, वो कई महीने नीचे समुद्र की तह में जाके गुजार सकती है, बैठ सकती है। कन्वेंशनल सबमरीन जो होती है इन्होंने हर 12-14 घंटे के बाद अपना एंटीना बाहर निकालना, हम कहते हैं सांस लेने के लिए उसने एंटीना बाहर निकाला, तो वो अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए ऊपर आती है। अब पाकिस्तानी नेवल ऑफिसर की इस लाचारी की वजह भी आपको बताते हैं। भारत के पास 294 फ्लीट है जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 114। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 2 है जबकि पाकिस्तान में ये कैरियर 1 भी नहीं। भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन की संख्या 4 है तो वहीं पाकिस्तान इस मामले में भी 0 है। भारत के पास वॉरशिप्स 12 हैं तो वहीं पाकिस्तान में वॉरशिप्स सिर्फ 2 हैं। ये 5 ताकत ही बताने के लिए काफी हैं कि भारत पाकिस्तानी नेवी से कैसे 5 गुना ताकतवर है। भारतीय नौसेना देश की समुद्री ताकत को मजबूत करने के लिए अभी 2 और न्यूक्लियर पनडुब्बी को तैयार कर रही है जो साल 2035-36 तक बनकर तैयार हो जाएगी।
हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत से निपटने के लिए भारत को ज्यादा न्यूक्लियर पनडुब्बियों की जरूरत है, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान के प्राण सूख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।